अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नागरिकों की चेतावनी के बाद खुला जूई नगर रेल फाटक, रहवासियों ने जताया मनपा का आभार। जूई नगर का यही वह बंद रेलवे फाटक है जो नागरिकों के बवाल के बाद फिर से खोल दिया गया है। इस फाटक के बंद होने से सानपाड़ा और जूई नगर इलाके के लाखों नागरिकों का आवागमन बाधित हो रहा था। नागरिकों की इसी मुसीबत को लेकर स्थानीय समाजसेवी विजय साले ने मनपा आयुक्त एवं रेलवे प्रशासन को निवेदन देकर रेल फाटक खोलने की मांग की थी। एक 15 दिन पहले हम लोग ने जूई नगर फाटक ओपन करने के लिए सहायक आयुक्त जी को एक रिक्वेस्ट की थी और उनको पत्र भी दिया था। जूई नगर में जो बढ़ता कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण है वो ज़्यादा था, उसको प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने फाटक लगाया था 22 मार्च को। बट अभी लॉकडाउन शिथिल करने को आया है, लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है, उसके अनुसंगन हम लोग ने कल आयुक्त से मुलाकात की और जो वैद्यकीय अधिकारी सोनोने साहब है उनसे भी मुलाकात की, उनको भी दिया हुआ है पत्र और उनको बोला कि आप जल्दी से जल्दी ये फाटक ओपन कीजिए, जो अत्यावश्यक सेवा में काम करने वाले इंसान हैं उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी। ये हमारी आपसे गुजारिश है और आप प्रशासन को भी बोलिए जल्दी से जल्दी फाटक ओपन करें। बता दें कि ऐसा रेलवे क्रॉसिंग है जिसके जरिए सानपाड़ा एवं जूई नगर के नागरिक APMC, नेरूल और वासी की ओर आते जाते हैं। ऐसे में बैरियर गिराकर मार्ग बंद करने से पूरा आवागमन ठप हो गया था। फिलहाल विजय साले की मांग एवं आंदोलन की चेतावनी के बाद मनपा अधिकारियों ने रास्ता खुद खोल दिया है, जिस पर स्थानीय नागरिकों ने भी राहत जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।